मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। कैसे एक गर्दुल्ले ने 7 साल के मासूम बच्चे के हाथों से निकाला खून अपने नशे की हवस को पूरा करने। जी हाँ दोस्तों, एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है कौसा के रशीद कंपाउंड परिसर से। महज 7 साल का बच्चा, किसी वजह से हम उस बच्चे की और उसके पिता की आइडेंटिटी हाइड कर रहे हैं, परंतु अपने बाप के साथ में फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया। महज घर से 20 कदम की दूरी पर मस्जिद थी। नमाज़ पढ़ने के बाद बेटा बाप से पहले मस्जिद से बाहर निकल गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसी दौरान एक नौजवान गर्दुल्ला युवक उस बच्चे को पकड़ता है, पहले उसके राइट हैंड में अपना इंजेक्शन डालता है और उसका ब्लड निकालता है, बाद में उसके लेफ्ट हैंड में इंजेक्शन डालता है और ब्लड निकाल के वहाँ से फरार हो जाता है। आपको बताते चले कि इस ब्लड में वो नशेड़ी लोग अपने नशा का सामान इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते कल को ये बच्चों के अगर जान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन। मैं मुमरा कौसा की आवाम से और ख़ास तौर पर हमारे प्रशासन से विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों पर, ऐसे नशेड़ियों पर ख़ास तौर पर गौर करें, क्योंकि ऐसे लोग वाले टाइम में हमारी नस्लों को भी बर्बाद कर सकते हैं। धन्यवाद। यही है ना ये जो है नस्ते। बेटा आप फजर की नमाज पढ़ के जब घर जा रहे थे तो आपके साथ क्या हुआ? एक अंकल ने हाथ पे इंजेक्शन मारे जबरदस्ती। दोनों हाथ पर मारे आपके? जब भी आपके हाथ पे इंजेक्शन मारे, जब आपके यहाँ कोई था आसपास? नहीं। नमाज पढ़ के आप मस्जिद से निकले थे, घर जा रहे थे? हाँ। बेटा हाथ बताओ। पहले हाथ छूट मार ये है ना, और ये भी है क्या? नहीं नहीं, ये और ये। बराबर ऊपर ही मारे ले ऊपर। भाई क्या नाम है आपका? आफ्ताब यासीन पटेल। आफ्ताब भाई, अभी कुछ देर पहले आप मुमरा पुलिस स्टेशन में आए हैं, आपके बच्चे के साथ में बताया गया है कि किसी नशेड़ी ने कुछ इंजेक्शन वगैरह बच्चे को मारा है आपके बच्चे के हाथ में। आप बता सकते हैं कैसा ये मामला हुआ? ये बच्चा फजर में गया था नमाज़ पढ़ने के लिए। जी, मेरे साथ में ही गया था, तो मेरे को थोड़ा लेट हो गया मस्जिद से निकलने के लिए, पहले निकल गया। घर के बाजू में ही मस्जिद? हाँ, घर के बाजू में मस्जिद है। इतने टाइम में बच्चे ने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो पहले मेरे को कुछ और बताया, बाद में मारने के बाद उसने क्लियर बताया। तो अब्बा मेरे साथ उसी वक्त बच्चे ने आपको बताया? हाँ, वही वक्त टाइम में। इसकी शिकायत की आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में? हाँ, अभी किया हूँ। तो उन लोग बोले ब्लड टेस्ट के लिए शिवाजी हॉस्पिटल जाने के लिए, MLT कराने। हाँ, तो अभी आप मुमरा कौसा के माँ बाप से क्या अपील करना चाहोगे? मुमरा कौसा के माँ बाप को यही बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर अच्छी तरह से ध्यान दें, उनको अकेला किधर नहीं भेजे बाहर। कहाँ पर हुआ हादसा है? आप ये अपना गरीबा रशीद कंपाउंड, गरीबा बिल्डिंग के पीछे चौल के अंदर। तो आपका बेटा वो नशेड़ी को जानता है? कभी आपने देखे हो उसको कहीं? नहीं, हम लोग ने कभी देखे नहीं। वो बच्चा भी देखा, पहली बार देखा है, लेकिन बोलता है मैं दोबारा देखूंगा तो पहचान जाऊंगा, सब बोल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।